इंट्रोगेटिव सेंटेंस सर, पहले में आप लिखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस सर, क्यों? क्योंकि इंट्रोगेटिव सिंबल लगा है। दूसरा है व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज, ये आपका बच्चों एक्सक्लामेटरी सेंटेंस सर, एक्सक्लामेटरी मेट्री सेंटेंस है, क्यों? साइन ऑफ एक्सक्लामेटरी लगा है। तीसरा है वन शुड नेवर ब्रेक ट्रैफिक रूल्स, तीसरा आपका ये आप किसी को समझा रहे हैं या आदेश दे रहे हैं कि आपका क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस है। कौन सा बच्चों? इंपरेटिव सेंटेंस। चौथा है आपका कह रहा है मे गॉड ब्लेस यू, इसके पहले भी आपने एग्जांपल भी देखा और इत्तेफाक है कि ये आपका एग्जांपल आपके बुक में दिया भी है। तो ये कौन सा सेंटेंस है? ऑप्टेटिव सेंटेंस है। आप किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं यानी आपकी इच्छा है तो आपने आशीर्वाद दिया, यानी ये क्या हो गया? ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया। पांचवा है बच्चों राइट विद इन प्रॉपर मार्जिन्स, ये भी राइट विद इन, आप जो है उचित मार्जिन यानी उचित कॉपी में जब आप लिखते हैं तो उसी को मार्जिन कहा जाता है, मतलब आप अपनी कॉपी में उचित लाइन के अंदर या उचित लाइन के अनुरूप लिखिए। तो ये आप किसी को आदेश दे रहे हैं तो ये भी क्या हो गया? इंपरेटिव सेंटेंस हो गया, इंपरेटिव सेंटेंस। उसके बाद नेक्स्ट है आपका नोबडी इज इन द क्लास, कक्षा में कोई नहीं है, यानी ये आपका असर्टिव सेंटेंस हो गया, ये आपका असर्टिव सेंटेंस हो गया, असर्टिव सेंटेंस हो गया या डिक्लेरेटिव सेंटेंस आप जो भी कह लीजिए, डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो गया आपका। उसके बाद बच्चों अगला है एक पुअर मैन वर्क्स हार्ड, एक गरीब व्यक्ति कठिन परिश्रम करता है, ए पुअर मैन वर्क, ए पुअर मैन, ए पुअर मैन वर्क्स हार्ड, गरीब व्यक्ति कठिन परिश्रम करता है, तो ये भी आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो गया, असर्टिव लिखिए चाहे डिक्लेरेटिव लिखिए बात एक ही है। उसके बाद नौवां है वाओ व्हाट एन अमेजिंग पिक्चर दिस इज, ये आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। उसके बाद दसवां आपका है द मैन सैंग इमेजिनरी, ये आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, अब आप इसमें जो है इसको पढ़िएगा, उसके बाद एक एक जो काइज दिए गए सेंटेंस के डिक्लेरेटिव इंट्रोगेटिव ऐसे ऐसे सबको आप पढ़िएगा, इसको तैयार करिएगा, जो चीज आपको समझ में नहीं आएगी आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, ये आपके लिए पर्याप्त है। अब बाकी आगे की एक्सरसाइज आपको नेक्स्ट डे पढ़ाई जाएगी, इसमें कई एक्सरसाइज है इसलिए एक दिन में नहीं पढ़ाया जा सकता।